मैं हूँ तरुण परवीन। मिल्खा मिश्र न्यूज दरभंगा और दरभंगा से संबंध रखने वाले हजारों मरीज के लिए एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके साथ हम आपको दिखाएंगे कि विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ मरीज किस हालत में आते हैं और इलाज कराने के बाद स्वस्थ होकर कैसे जाते हैं। इस बीच जो कठिन समय होता है उसका जिक्र हम डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप संबंधित विभाग के विशेषज्ञ से ही इलाज कराएं। आज देखिए परोपकार क्लिनिक डॉक्टर कुमार शैलेंद्र, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ है। नवजात बच्चों से लेकर के युवा एवं वृद्ध तक जांच एवं इलाज की यहाँ व्यापक व्यवस्था है। देखें किस तरह इलाज करते हैं डॉक्टर कुमार शैलेंद्र। ये जो परोपकार क्लिनिक है, इको सेंटर है, यहाँ पे खास करके आउटडोर के माध्यम से मरीजों के हृदय का जाँच होता है और मरीजों को देखा जाता है आउटडोर के बेसिस पे। इसको हम लोगों ने 2013 से शुरू किया है यहाँ पे और अभी तक चल रहा है। हमारा MBBS कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ है, जो पश्चिम बंगाल का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, वहाँ से हमने MBBS किया है। और MD मेडिसिन जो है दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किया है और कार्डियोलॉजी में सीनियर रेसिडेंटशिप जो है GB पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली से हमने किया है। यहाँ पर खास करके इको कार्डियोग्राफी के माध्यम से हार्ट का जांच होता है और हार्ट के जो खास करके मरीज और डायबिटीज़ के मरीज, इस दोनों बीमारी के मरीज या हार्ट से जुड़े हुए और भी बीमारी होते हैं, जैसे कि किसी का सांस का फूलना हुआ या किसी का ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना हुआ, तो इस तरह की परेशानियों का भी यहाँ पर इलाज अच्छा से होता है। के मरीज को खास करके अगर किसी को धड़कन तेज हो या सांस फूलता हो या सीने के बाएं हिस्से में दर्द होता हो या सीना में दर्द होने के बाद मरीज़ को अचानक सांस फूलना शुरू हो गया हो या मरीज़ अचानक कभी कभी बेहोश हो जाता हो या छोटे बच्चे हैं जो इसका खास करके निमोनिया और खांसी बीमारी जो है बार बार आता हो, ठीक सही से नहीं होता हो, तो वैसे में हार्ट की बीमारी की आशंका रहती है और वो इकोकार्डियोग्राफी जाँच के माध्यम से क्लियर हो जाता है कि उसको बीमारी सही में है या नहीं। इसी को अगर कोई हार्ट ब्लॉकेज है तो हार्ट ब्लॉकेज खास करके होता है कि हार्ट का जो खून की खुद की नली होती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, तो वो जो ब्लॉक होता है तो लोगों को चेस्ट पेन लेके आता है, सीने में दर्द लेके आता है। ऐसे में लोग अगर संभव हो तो एस्प्रिन नाम की दवा होती है वो लेकर के लोग आ सकते हैं और साथ में दर्द कभी भी हो तो किसी भी नज़दीक अस्पताल जा करके चिकित्सक को दिखाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है और ऐसे मरीज में समय का बहुत महत्व होता है। जो जितना जल्दी इलाज कराता है उसका हार्ट का जो डैमेज है उतना ही कम होकर के बच जाता है, तो जल्दी जाने से ज़्यादा बचने की सामना होती है। और इसलिए लोगों को जहाँ भी अगर सीने में दर्द हो तो उसे एस्प्रिन अगर है संभव तो खा सकते हैं, खास करके वैसे लोग जिनका उम्र ज़्यादा हो, जिनको पहले से डायबिटीज़ हो, पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, जिसके माता पिता को भी इस तरह की बीमारी हो, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, वैसे आदमी को अगर सीने में दर्द हो तो ये एस्प्रिन नाम की दवा ले सकते हैं और नज़दीक अस्पताल जा करके अपना हृदय का जांच करवा सकते हैं। हार्ट अटैक की संभावना जो है खासकर जितना एज ज़्यादा रहता है उतनी संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल चूँकि जीवन शैली में बहुत बदलाव आया है तो पहले ज़माने की तुलना में आज कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक होने लगा है। खास करके 30 के बाद हार्ट अटैक होने की संभावना अभी बन रही है, जो कि पहले ज़माने में 40 या 45 के बाद ही हुआ करता था। खान पान पर खास करके आप खान पान सबसे पहले खाना क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, इससे आपके शरीर पर बहुत अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। आप अच्छा खाते हैं तो अच्छा, बुरा खाते हैं, यानी खाना अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है तो अच्छा, और स्वास्थ्य दृष्टिकोण खराब है तो आपको खराब परिणाम भुगतना पड़ता है। तो खासकर खाने में जो है हरा साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, ये सब भी जो है इसका मात्रा बढ़ाना चाहिए। खाना कभी भी शरीर के ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और ख़ास करके जो तला हुआ, भुना हुआ या बाज़ार में जो रेडीमेड सामान मिलता है वैसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी होता है या साग होता है या फल होता है, इस चीज़ों का खास करके रोज़ाना इनमें एक से दो बार जरूर सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है बीमारियों से बचने की संभावना रहती है, वजन भी सही रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम बनता है
और आपका शरीर अच्छा होने से शरीर में फिटनेस आता है और लोगों को मन में खुशियों से भर। पहले तो स्टेंट लगाने के बाद जब उठती है तो स्टेंट आजकल सरकार के द्वारा बहुत काफ़ी कम कीमत पर मिलता है, और स्टेंट एक और दो तरह के स्टेंट आता ही है जो गवर्नमेंट के द्वारा ही उसका शुल्क जो है निर्धारण किया हुआ है। उसमें जो अच्छा वाला स्टेंट है, खासकर जैसे स्टेंट का अंदर में ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होता है, यानी स्टेंट खुद से अंदर जो अंदर खुद से कुछ दवा निकालता है जो कि स्टेंट को ब्लॉक स्टेंट के द्वारा और ब्लॉक नहीं हो और आर्टरी अंदर खून नदी बंद नहीं हो वो होते रहता था। ये स्टेंट जो है आधुनिक किस्म के स्टेंट होते हैं, इस तरह के स्टेंट लगता ही आजकल वही लोग प्रीफर करते हैं क्योंकि दाम बहुत कम हो गया और जो भी लगाएंगे उसके लिए आजकल वो उपलब्ध आसानी से हो जाता है। जो हार्ट के मरीज है वैसे लोगों को अपने भोजन पर ध्यान रखना चाहिए, अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान रखना चाहिए, अगर उसका डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहना चाहिए, सुबह में ज़रूर टहलना चाहिए, कम से कम सप्ताह में 5 दिन ज़रूर टहलना चाहिए। ध्यान करने से भी उनका दिमाग शांत होता है और जब दिमाग शांत होता है तो शरीर के ऊपर जो है बुरा प्रभाव कम हो जाता है, यानी डाइट, भोजन, व्यायाम, जो दवा है वो, और मेडिटेशन, और उसके साथ साथ बीच बीच में जाँच करा कर देखना चाहिए कि शरीर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, यानी चिकित्सक से मिलना चाहिए। ये सब यहाँ दिन के 10 बजे से शुरू करते हैं और शाम के 6:30 बजे तक रहते हैं, और दिन में नए मरीज पुराने मरीज सब मिला करके 50, 60, 70 इसके बीच में चलता रहता है दोनों मिला करके। गंगा वासियों को और अपने देश के सारे भारतवासियों को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो खुद के लिए भी अच्छा हो और अपने परिवार के लिए भी अच्छा बन सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसलिए स्वस्थ भोजन अपनाइए, अगर बीपी शुगर कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक करा लीजिए और उसको ठीक बनाए रखिए, बीच बीच में जांच कराकर देखते रहिए। ऐसा करते रहने से आपके जीवन अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा और ये देश के लिए भी अच्छा रहेगा।